टीम इंडिया के खिलाफ सोमवार को सेंचुरियन में जारी दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने बिगाड़ दी है। टी टाइम तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 19 ओवर में 2 विकेट खोकर 60 रन बना लिए हैं। डीन एल्गर 23 और एबी डिविलियर्स 33 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में शुरुआत लचर रही। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ओवर में पहली पारी के हीरो एडन मॉकरम 1 को LBW आउट किया। इसके बाद आए हाशिम अलमा को भी उन्होंने ज्यादा देर तक क्रीज पर जमने का मौका नहीं दिया और महज 1 रन के स्कोर पर LBW आउट किया। इससे पहले विराट कोहली 153 की बेहतरीन पारी की बदौलत सोमवार को दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया की पहली पारी लंच के बाद 91.1 ओवर में 307 रन बनाकर ऑल आउट हुई। कप्तान कोहली ने 217 गेंदों में 15 चौकों की मदद से 153 रन बनाए। वह आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। मोरकेल ने लॉन्गॉन पर डिविलियर्स के हाथों कैच आउट कराकर विराट सहित भारतीय पारी का अंत किया। दक्षिण अफ्रीका को इस तरह पहली पारी के आधार पर 28 रन की महत्वपूर्ण बढ़त मिली है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 335 रन पर सिमटी थी।